थोड़ा सा नेड़े हो जाए, रेड स्नेक है ठीक है। हेलो हेलो, ओके ओके उत्तरी। ये सूरज स्वामी जी हैं, सोशल वर्कर। बस पूछ हथे आई नहीं फिर नहीं है जानदा के लिए। तो रेड स्नेक बोलते हैं, जहरीला नहीं होता ये, मटिया सांप है। इसके लार जो होती है ना, लार में थोड़ा बहुत रिएक्शन वो हो सकता है, इसको रेड स्नेक बोलते हैं और स्थानीय भाषा में इसको धामिन भी कहते हैं। फिर क्यों पकड़ रखा है? किसी भी कोई भी जीव खतरनाक नहीं होता जब तक आप उसको बिल्कुल, अगर आप गुस्से से उसको हैंडल करोगे तो वो काटेगा आपको, लेकिन अगर इसको एहसास हो जाएगा कि भी आपको मारना नहीं है, मार नहीं रहे हैं, तो ये बिल्कुल आराम से जो है ये करेगा। पानी देना, थोड़ा पानी ले। ये मग्गा पड़ा हुआ, उसमें पानी डाल के लाओ। टूटी से कहाँ पर है ये? लेके आ रहे हैं वो भैया, लेके आ रहे हैं। और मेरा आप लोगों को सिर्फ ये पकड़ना ही नहीं है, मैं बताना भी है सांप जो है कौन कौन सी जहरीला। ये देखिए इसके ऊपर से, ये कभी भी सांप जहरीला नहीं होता, इसका जो पैटर्न बना हुआ है ना ऊपर, इसको बोलते हैं रेड स्नेक, चूहे वाला सांप, चूहे। और ये बिल्कुल जहरीला नहीं होता, लेकिन लोग क्या करते हैं इसे जहरीला और खतरनाक समझ करके मार डालते हैं, जबकि ये बिल्कुल खतरनाक नहीं होता। हाँ, काटने पर थोड़ा सा वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है इसके उसमें, तो थोड़ा सा ठीक है। पानी भी तब तक ले आया यार, कौन ले आया? मोटी जैसी है, जल्दी ले आ, अंदर ठंडा ले आ अपना। तो और पानी हम इसलिए डालते हैं कि ये अग्रेसिव ना रहे, क्योंकि जब ब्रेन के ऊपर दिमाग इसका है ना, ठंडा हो जाएगा। हाँ, पे जा ले अपने कैंपर में, जा इससे क्या रहता है कि ये शांत हो जाएगा, इधर नहीं आएगा। और ले आ कैंपर में, ये काफी जख्मी है, इसको मतलब है ना चोटें लगी हुई, ये देखो काफी सारी चोट है ना, मारा होगा। नहीं, ये एक्चुअली जो जानवर होते हैं ना, मतलब पक्षी वगैरह, ये मार डालते हैं इसको। मारी बात को नहीं लग गई, गट्टा गुट्टा दो। अरे गट्टा ही इसको पकड़ के थोड़ी रखना अपन, वो पानी ला रहा था, गंदा पानी ऊपर बांधने के लिए भी कुछ ले। आपकी वीडियो देख देख के ना इतना हो गया, फटा हुआ कई बार दे देते है ना, जैसे मेहनत खराब जाती है, डबल दे देते हैं, एक गट्टा और दे देते हैं। ये बिल्कुल आराम से जो है इसको रिलीज कर सकते हैं आप, कहीं पर नागिन यही लेके गए थे बड़ी वाली। भैया ये बाहर तो नहीं आएगा।